लकी, कहाँ थे तुम? वो दादी सा क्या था ना कि मैं ना टीवी देखने गया था। विश्वास नहीं हो रहा कि कौशिक परिवार का बच्चा इतनी हद तक जा सकता है। अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मां साहब, किसी भी फैसले में पहुंचने से पहले मेहरबानी करके एक बार लकी की बात तो सुन लीजिए। अब सुनने को बचा ही क्या है? लकी ने बहुत बड़ी गलती की है। इसने कौशिक परिवार के नियम और अनुशासन को तोड़ा है। जो सजा सबको मिलती है वो सजा इसे भी मिलेगी। मासा प्लीज, बस एक बार लकी की बात तो सुन लीजिए। हमें कुछ भी नहीं सुनना है। मासा, आपको लकी की बात सुननी चाहिए, बस एक बार। अरे तो एक बार आप लकी की बात सुन क्यों नहीं लेती? हो सकता है इसके पास इसकी कोई ठोस वजह हो कि क्यों बाहर जाता था ये। अच्छा, इसका मतलब हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत है और लवली सही है। आप सब लोग यही मानते हैं ना? बोलिए, चुप क्यों हैं? आप ये सब यही मानते हैं या नहीं? सब चुप है, इसका मतलब लवली गलत है। और लकी, तुम्हारी सजा ये है कि इस बार तुम दिवाली नहीं मनाओ। जानते हैं कि लकी ने गलती की है, पर ये तो बहुत सख्त सजा है मासा। चलो, बड़ी भाभी ने मुंह तो खोला, बच्चे त्योहार के समय तो उत्साहित रहते हैं। अब आप कोई दूसरी और सजा दे। कहना बहू, ये तुम कह रही हो? जी मम्मी जी, वो कहना भाप मेरा मतलब है, मम्मी जी मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ जी, पर बच्चे के वास्ते ना ये सजा बड़ी सख्त हो जाएगी जी। हाँ माँ जी, माँ जी प्लीज एक बार दोबारा सोच लीजिए। प्लीज मॉम जी, दिवाली है, जाने दीजिए। हमारी बहुओं में एकाएक कितना परिवर्तन। देखिए, सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि हमारा भी यही सोचना है कि लकी को इतना बड़ा झूठ बोलने पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
ये सजा बदली भी जा सकती है, उसे इतनी कठोर सजा ना। साहब, इतनी सख्त सजा देना इसलिए जरूरी है कि लक्की या घर का और कोई भी बच्चा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। हम एकदम सही हैं और हमारा फैसला भी। निम्मी देवी जी, अगर आप ऐसे रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। और ये लक्की खोता था पुत्र, मैं सबके सामने छाती ठोकर कह रहा हूँ कि मेरा बेटा बहुत नाम करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, खूब नाम रोशन किया इसने मेरा। सॉरी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसे हो और तुझे ये सजा नहीं, तुझे इससे भी सख्त सजा देनी चाहिए। हाँ, टीवी देखने के लिए बाहर चला गया। ऐसी गलती मारो मत। कसम खा कि ना आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। नहीं मामा, कभी नहीं करूंगा। कभी झूठ नहीं बोलेगा? हाँ, कभी। पक्का? प्रॉमिस मामा, प्रॉमिस। भाभी, वैसे ही नौबत ही ना आती अगर आप लोगों ने बच्चों पर ध्यान दिया होता। वैसे सही मायने में इन सब के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग भी हैं। लवली, वो कैसे? वो ऐसे भाभी कि आप लोगों ने कभी भी बच्चों से पूछा ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या चाहिए। और यही बात लकी को गलत रास्ते पर ले गई। भाभी, मन बड़ों का ही नहीं होता, बच्चों का भी होता है। लवली सही तो कह रही है, अगर लकी अपने घर पे टीवी देख सकता था तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर साहब, हमारे घर में नियम और कायदे कानून पहले से चलते आए, कभी कोई कलेश नहीं हुआ। लेकिन जब से ये लवली इस घर में आई, कोई ना कोई नया कलेश। पहले बच्चों की बस छूट गई, फिर कीचड़, और अब लकी की गलती। हमें कोई बताएगा कि हमारे घर में ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन भाभी, लवली बस, अब इस बात पर हम और बहस नहीं करेंगे क्योंकि फैसला हो चुका है। बाबूजी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कुछ दिनों से मासा को क्या हो गया। बेटा, तुम्हारी माँ स्वभाव से बहुत कठोर है और हम ये जान गए हैं कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम सब भी जानते हो। वो तो सभी जानते हैं बाबूजी, लेकिन आजकल उनकी सजाएं
कुछ ज्यादा ही सख्त होती जा रही है। सही है, हम तो शुरू से ही कहते सजा के डर से तो अच्छा है कि बच्चों को समय समय पर समझाते रहना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन सजा भी तो कभी कभी दवा का काम करती है। बच्चे दोबारा वो गलती करने से घबराते हैं। नहीं बाबूजी, मैं ये बात नहीं मानता। हम लोग भी छोटे थे, हमने भी गलतियां की। आदि भैया आपको याद है, एक बार तो झूठ बोलकर हम दोनों मूवी देखने चले गए थे। हाँ कार्तिक, और मासा को जब ये बात पता चली थी तो वो कितना नाराज हुई थी, लेकिन इतनी कठोर सजा तो उन्होंने तब भी नहीं सुनाई थी। बाबूजी मुझे तो डर है कहीं सजा के डर से बच्चे बगावत पर ना उतर आए। लवली ने ठीक ही कहा था, मनोरंजन की जरूरत आखिर किसे नहीं होती, बच्चों को भी है। और बच्चों के लिए नियम इतने कठिन ना होकर थोड़े से सरल हो। लेकिन कार्तिक, देखने वाली बात यह है कि हम सब भी मासा के उन्हीं नियमों के साथ पले बड़े हैं, और आज हम जो भी कुछ हैं मासा के उन्हीं नियमों की वजह से। भैया देखिए, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि समय के अनुसार नियमों को बदलना चाहिए, और ये बात मासा को समझनी चाहिए। बाबूजी आप ही बताइए मैं सही कह रहा हूं या नहीं। कार्तिक, मासा के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले तुमने कभी ये सोचा है कि हमारे घर में जो भी कुछ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी की वजह से हो रहा है। एक वही है जो बच्चों को मासा के खिलाफ भड़काती रहती है, और बच्चे क्या करेंगे, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। देखिए भैया, हर बात पर लवली को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि लक्की ने जो भी कुछ किया वो इसलिए किया क्योंकि उसे घर में टीवी देखने को नहीं मिलता। इसमें लवली की क्या गलती है? देखो कार्तिक, बस बंद करो ये बहस। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बेवजह की बातों में उलझे, और ना ही हम ये कहना चाहेंगे कि कौन सही है कौन गलत। तुम्हारी मासा और लवली दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसलिए हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते। जो भी हो बाजू, दिवाली का यह त्योहार लक्की के बिना तो अधूरा ही रहेगा। जरा सोचिए, पूरा परिवार खुशियां मनाएगा, मिठाइयां खाएगा, पूजा करेगा, और हमारा वो छोटा सा बच्चा कमरे में बैठकर अपनी सजा काटेगा। कारण वही लवली, जिससे कि आप खफा हैं और जो सबके सामने अपने आप को सही साबित कर चुके, उसे गलत साबित करने के लिए आप पूरे परिवार को दुखी किए हुए। अब लकी, बूंदी के लड्डू खाना। तुम्हारी ताई सा ने ना तुम्हारे पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। चूहा गया लकी के पेट में, गुड़ 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 गुड़। और बोला और पेट तो खाली है, मैं क्या खाऊंगा। अनु लकी देखो हंसा। अजी आपको पता है निम्मी देवी जी आज क्या हुआ? अजी अपने वो ठाकुर साहब ने बड़ी बड़ी मूछों वाले, ये मोटा सा बड़ा पेट। अजी रोज दुकान पे आते कुछ ना कुछ लेकर जाते, और उसके बाद हमेशा 5-7 रुपए कम। अजी मैं बोलूं पैसे दो तो बोले छुट्टा ही नहीं है। तो मैंने पता क्या किया, आ जाए 100 रुपए का नोट दिया मुझे, संभाल लिया। 75 रुपए का कितना, 75, तो कितने बचे, 25। अजी मेरे को बोलने लगा, अब बिट्टू भाई साहब 25 रुपए वापिस कर दो। अजी मैंने इधर देखा उधर देखा, फिर मैंने पता क्या किया, और मैंने बोला जी छुट्टा तो आज मेरे पास भी दिया है, हिसाब बराबर। लकी तो फिर भी नहीं हंस। लकी चाची आप ही कुछ करो, लकी भैया को हंसाओ। लेकिन लकी एक और गाना सुनोगे तुम? चलो
हम कहाँ सुनाते रखी को? सुनो सुनो सुनो। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। लकी तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ चक्कर चलाती हूँ जिससे ना तुम्हारी सजा कम हो जाए। नहीं चाची, मुझसे गलती हुई है, तो सजा तो मुझे मिलेगी ना, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मॉम का फोन, भाभी मैं भी आती हूँ। मॉम का फोन, हेलो मॉम, आपने इतनी रात को फोन क्यों किया? अरे वाह, ना हाय ना हेलो, और देर से फोन करने की वजह पूछ रही हो। वैसे भी अभी सिर्फ 9:30 बजे, और तुम्हारी सास ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा ना कि हम 9:30 बजे के बाद फोन नहीं कर सकते? हाँ मॉम, इस घर में ना 9:30 का टाइम बहुत लेट होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अच्छा चल ठीक है ठीक है, सुन मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि कल मैं और तेरे डैड तेरे घर आ रहे हैं। After all, तेरी ये पहली दिवाली है ना, हम सब के लिए मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? मॉम, आप तो हर साल घर पे दिवाली की पार्टी रखते हो ना, बहुत सारे लोग भी आते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा? देख लवली, तू हमारे लिए दोस्तों और मेहमानों से कई ज्यादा है, इसलिए यहाँ की चिंता छोड़ दे। गुड नाइट, कल मिलते हैं। बाय मॉम। लवली तो ऐसा क्या करेगी कि डैड मॉम को तेरे और कार्तिक के बीच के झगड़े और लकी की सजा के बारे में मालूम ना पड़े? कारण वही लवली, जिससे कि आप खफा हैं और जो सबके सामने अपने आप को सही साबित कर चुकी, उसे गलत साबित करने के लिए आप पूरे परिवार को दुखी किए हुए। क्या बात है साहब, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? हमसे बात भी नहीं कर रहे, हमसे क्या नाखुश है आप? तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम आपके किस फैसले से खुश हैं, किससे नाखुश। अरसा, हमारे फैसले तो हमेशा सही होते हैं ना, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? चित भी मेरी पट भी मेरी, जब आप अपने हर फैसले को सही मानती हैं, तो हमारे कुछ कहने की गुंजाइश ही कहां बचती। पहले भी कितनी बार आपने हमारी बात नहीं मानी, जो जचा वही किया। हमारी आवाज तो जैसे नक्कार खाने में तूती की तरह बजकर गुम हो जाती है। सा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपकी नजर में हमारी छवि एक पत्थर दिल इंसान की तरह हो गई? और अगर इसका कारण हमारा फैसला है, पर वो तो सबके भले के लिए होता है ना, हमेशा की तरह। देखिए, जब आप अपने फैसले को पहले से ही सही मान चुकी हैं, तो हम आपसे बहस क्यों करें? ठीक है भाई ठीक है, कुल मिलाकर घर की मालकिन तो आप ही हैं, और आपको फैसला सुनाने का हक है, भले ही उससे किसी का दिल टूट जाए। देखिए साहब, ना ना ना, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, आप घबराइए मत, चाहे जो भी हो जाए हम हर हाल में आपका साथ देंगे, क्योंकि विवाह के समय हमने आपको ये वचन दिया था। हम जानते हैं भाई कि आपने एक अलग तरीके से अपने परिवार को जोड़े रखा है, किसी को भी नहीं दिया, तो ऐसा ही कुछ अभी भी आपके मन में होगा, है ना? नहीं सर, आप नहीं समझेंगे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो उस बेचारे लकी को इतनी कठोर सजा देने के पीछे आपका क्या मतलब? वो बताना हम जरूरी नहीं समझते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया है वो अच्छे के लिए किया है। आप बताएं या ना बताएं, लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या है।
और इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं, कारण वही लवली, जिससे कि आप खफा हैं और जो सबके सामने अपने आप को सही साबित कर चुकी है। उसे गलत साबित करने के लिए आप पूरे परिवार को दुखी किए हुए। दुख सा, हम उस चोरी की वजह से अपने पूरे परिवार को दुख क्यों देंगे? दुख देंगे? अरे पूरे परिवार को दुखी तो आप कर ही चुकी। कभी आपने जो नियम पूरे परिवार को जोड़े रखने के लिए बनाए थे, आपके वही नियम पूरे परिवार की मुस्कानें छीने जा रहे। Oh,